लोकसभा सामान्य निर्वाचन के मद्देनजर जनपद में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत मेगा स्वीप कार्यक्रम का आयोजन रीजनल स्टेडियम में किया गया, जिसमें महानगर के विभिन्न स्कूली बच्चों द्वारा गोरखपुर रेडी टू वोट 19 मई 2019 की आकृति बनाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने सभी को मतदान के लिए शपथ दिलाते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का वोट बहुमूल्य है, इसलिए सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजयन पांडेन ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चे घर जाकर अपने माता पिता एवं घर के बड़ों को मतदान के लिए प्रेरित करें और जिला प्रशासन का संदेश सभी तक पहुंचाने में मदद करें। उन्होंने लोगों से अपील किया कि 19 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इस मौके पर कुल 7000 बच्चों ने गोरखपुर रेडी टू वोट 19 मई 2019 की आकृति बनाई और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, SDM सदर प्रथमेश कुमार, प्रभारी अधिकारी स्वीप SDM सैजनवा सरनीत कौर ब्रोका सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, एकल पुष्प के द्वारा एवं बैच हमारे विभिन्न स्कूलों से आए हुए जो हमारे प्रिंसिपल महोदय महोदया हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि कृपया आप भी हमारे साथ मंच पे ज्वाइन करें। अगर किसी स्कूल से कोई प्रिंसिपल आए हैं यहाँ पे तो कृपया मंच पे आ जाए। हमें अभी इंफॉर्मेशन मिली है, कार्मेल गर्ल्स सेंटर कॉलेज की प्रिंसिपल मैम यहाँ पर प्रेजेंट हैं। मैम, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मंच पर आकर के इस मंच को गौरवान्वित करें। जैसे कि हम सब जानते हैं, 2019 एक बार पुनः लोकतंत्र के महापर्व को मनाने के लिए अपने गणतंत्र को, अपने लोकतंत्र को और अधिक संप्रभु, स्वतंत्र एवं गौरवशाली बनाने के लिए जो नौकायान से लेकर पैडलीगंज चौराहे से होते हुए एक लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। साथ ही साथ जब हम अपने लोकतंत्र को और अधिक संप्रभु बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं और हम लोगों ने यह अपने मन में संकल्पना या संकल्प लिया था कि आने वाले समय में इसी के साथ मंच पर कार्मेल को गवर्नमेंट गर्ल्स सेंटर कॉलेज की प्रिंसिपल मैम मंच पर आती थी और अधिक सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो उसी श्रृंखला में प्रत्येक वार्ड में आज के कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है कि मतदाता जागरूकता के द्वारा हम अपने डिस्ट्रिक्ट को किस प्रकार और अधिक जागरूक कर सकें कि आने वाले 19 मई को प्रत्येक जनमानस, जितने लोग भी वोट के लिए तैयार है, लोकतंत्र में हम अपने तिरंगे की छवि को संपूर्ण विश्व में आभारित कर सके, अपने गौरव स्टेट अपनी हो जाए। ऊपर से जो फोटोग्राफी हो रही है के पालन के लिए किस प्रकार हमने विविध रूप से विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा लोकतंत्र को अधिक से अधिक आगे बढ़ाने के लिए स्वयं मतदान करने के लिए प्रेषित हो, अपने अंतर्मन से जागरूक हो। साथ ही साथ हम अधिक से अधिक और जैविक मास्क के साथ अपने आने वाले लाइन माननीय जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गोरखपुर महोदय, CDO गोरखपुर, अन्य अधिकारीगण, विभिन्न विद्यालयों से आए प्रधानाचार्य अथवा उनके अध्यापकगण एवं छात्र छात्रीगण, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता किंतु आप जो आज यहाँ खड़े हैं, हो सकता है कि आपका वोट नहीं है, लेकिन एक बात इस मंच के माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जो सरकार, जिस सरकार का गठन होगा और वो सरकार जो निर्णय लेगी, वो सरकार के निर्णयों का प्रभाव आप जो आज यहाँ खड़े हैं उस पर भी पड़ेगा, आपका भविष्य रहे हैं। क्योंकि यहाँ से एक हम संदेश पूरे जनपद और पूरे मंडल को देना चाहते हैं, अतः इसको उसी रूप में लिया जाना चाहिए। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण
निर्गुण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे सर अपने अभिभाषण से हम सभी को संबोधित करें और मीडिया साथियों सबको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आज के एक संदेश संदेश फैलाने के लिए हम लोग को मदद करेगा इसी उद्देश्य से आज हजारों संख्या में बच्चे आए हुए हैं आपका हृदय दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ ये शपथ आदरणीय कमिश्नर साहब महोदय आपको दिलाएं खास तौर पर मैं चाहता हूँ आप जा करके आपका अभिभावक का माँ बाप का आपका घर में जो भी है बुजुर्ग है वो आपका भाई है जो बड़े बहन है जो भी है 18 साल के ऊपर उनको प्रेरित करें 19 मई हम लोग का चुनाव का दिन है ये आप देख रहे हैं धूप मैं मान रहा हूँ 19 मई के इससे ज़्यादा धूप तो रहेगा बट हम सबसे ऊपर देश है और देशभक्ति है देश के लिए एक दिन नहीं निकालेंगे तो मुझे नहीं लग रहा तो नागरिक कोई भी नागरिक अपने जिम्मेदारी निभाया इसलिए तो आप प्रेरित करें आपका अभिभावक का आसपास पड़ोसी सभी का आप भी 18 साल पूरा होने के बाद आप भी निकल करके वोट दें मैं आपसे यही अपील करने चाहता हूं धन्यवाद जय हिंद जय भारत बाकी स्टूडेंट्स अपनी जगह पर बैठ जाएंगे लोकतंत्र के इस महापर्व पर हम अपने सरस्वती मंदिर का वाद्य घोष दल बैंड को मार्गदर्शित किया गया कि आने वाले 19 मई को हम सभी अपने परिवार को यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट ग्रुप सावधान होंगे सावधान राष्ट्रीय गान शुरू करें आज जो हमारे पिछले कई सप्ताहों से जो स्वीप की जो एक्टिविटी है उसमें जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसके अंतर्गत एक और प्रोग्राम लिया गया और उम्मीद है कि एक संदेश जो यहाँ से प्रेषित करने की कोशिश की गई है प्रयास किया गया है वो सही मायने में मतदाताओं को जाएगा और 19 मई को रविवार के दिन मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर पोलिंग स्टेशन पर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें